नमस्कार आदाब, मैं हूं अरिषभ बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मांडीखेड़ा अल आफिया हॉस्पिटल के करीब एक हबीब हमन नगर जो है उनके फार्म हाउस पर। ये फैसला की पहल हमारे जो मेवात विधानसभा है, ये दो तीन बार गए हैं गाँव में बदरपुर में जी, और दोनों पार्टियों से मिले हैं और उनसे फैसले की बात रखी है इन्होंने जी। तो कई बार बैठने के बाद ये फैसला हुआ कि आज का दिन तय था इतवार का जी, कि भाई ये फैसला रखते हैं, दोनों पार्टियों ने सहमति जताई है जी। और 200-300 आदमी थे आज, सारी मेवात के सारे बिरादरी इकट्ठी हुई है और इन्होंने जो है सारा बिरादरी ने इजाजत लेके एक दूसरे ने गलती मानी है जी और वो फैसला हो गया। अच्छा, कोई जैसे दंड वगैरह भी कुछ हुआ है ना? कोई दंड नहीं, सूखा ही कर दिया, बिल्कुल सूखा, माफी साफी हुई है और कोई दंड नहीं हुआ। बल्कि ये बात हुई थी, बिरादरी ने करी थी, वही पार्टी का नुकसान हुआ है जी। जो फजूल सेक्टरी है जी। तो उन्होंने कहा कि इनका नुकसान ये देंगे, उन्होंने बिरादरी मना कर दिया, हमें कुछ नहीं। करोड़ों रुपए का नुकसान मेवात में हर माह हो जाता है, ऐसा में आज मेवात विकास सभा ने और हबीब साहब ने जो फैसला कराया वाकई काबिल तारीफ है। तो सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झगड़ा करते रहते हैं और फिर कई की लाख रुपए के लिए लुट जाते हैं, फैसला नहीं कर पाते, आखिर में आके जब उनको लगता है कि आपको सजा भूलने वाली, तब जाके फिर फैसला ही होता है। तो क्यों ना अगर पहले ही फैसला कर लिया जाए तो बेहतर होता है, क्या संदेश दोगे आप? हमारी ये मुहिम, अभी हम ये मशवरा कर रहे हैं सारे मेवात विकास सभा के सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हम यही अभी चर्चा कर रहे हैं कि जितने भी झगड़े हो रखे हैं इनको धीरे धीरे सारे झगड़ों को निपटाया जाए पंचायत के माध्यम से। सबसे पहले हमारे नगीना ब्लॉक में भी 7-8 गांव में हैं, आपके खैचतान है, अटियरना, भुकारा का, बोला का, घागस, कंसाड़ी, इन सब गांवों में 307 बनी हुई है, एक तरफ से, दो तरफ से। तो हम सब गांवों में बस यही मुहिम चला रहे हैं कि जल्दी इंशाल्लाह फटाफट अगले हफ्ते एक दो पंचायत रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे फैसले अमन चैन बना रहे हैं। अच्छा अख्तर साहब, जो आज आपने ये फैसला कराया है, इसके बारे में क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं आप? अकेला ये फैसला नहीं, इससे पहले भी हम जो है 16 फैसले करा चुके जी और 40-42 झगड़े ये हुए हैं जी। हमारी कोशिश ये है कि ये 42 के 42 झगड़ों का हम फैसला करा दें जी। जी, आगे ये कोशिश आपकी? हाँ जी, इस फैसले से हमें ये फायदा होगा, उनमें अब हमारी संभावनाएं बहुत ज्यादा हो चुकी है, और भी फैसले हो जाएंगे जहां हम गए हैं लेकिन किसी वजह से फैसला नहीं हो पाया, वो दोबारा लड़े भी नहीं, ये भी हमारे जाने से फायदा भी हुआ और वो फैसले भी जो है सिरे चढ़े। ये बहुत अच्छी पहल है और आपस में जहां मनमुटाव खत्म भी होने चाहिए, कोर्ट कचहरी में, थाने तहसील में आदमी लुटता भी मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो जो बिरादरी में बैठ कर फैसले होते हैं उसमें दोनों तरफ से मान सम्मान रहता है, एक दूसरे को नीचे नहीं मानता अपना आप को, सबसे बड़ा फायदा तो फैसला का ये होता है जी। और ये फैसला बादस्तूर जारी रहना चाहिए, पूरे इलाके का हमारा एक सिस्टम है मेवात में, ये परंपरा है जी। पहले कितने भी बड़े मुकदमे हुए हैं सब अक्सर फैसले हो जाते हैं, हमारी मेवात की बहुत बड़ी खासियत है और खास तौर से हबीब भाई या के बड़े मुस्तकबिल है या चीज के लिए इन्होंने पहल करी है मेवात की भलाई के लिए, लोगों को लुटने खुसने से थाना तहसील से बचाया है जी। तो हबीब भाई का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आगे भी और भाई फैसला कराएंगे। ये मेवात साझा संस्कृति और भाईचारे के लिए जाना जाता है जी, लेकिन इस बार जो चुनाव हुए उसमें पता नहीं वक्त ज्यादा लगने की वजह से या जो भी हालात पैदा हुए हों, एकदम से झगड़ों की बाढ़ आ गई, आग लग गई जी। मेवात विकास सभा ने फैसला किया कि हम कुछ ना कुछ इस आग को बुझाने की कोशिश करें जी। जी, और जैसे ही चुनावों का खत्म हुए और वो झगड़े शुरू हुए जी, तो हमने फैसला लिया सामूहिक तौर पे कि हम हर उस गांव को अप्रोच करेंगे जहां पर ये झगड़े हुए जी, और उस कोशिश में हम शांति मिशन, मेवात विकास सभा का शांति मिशन नाम का वो हमने वो मुहिम रखी थी, उसके तहत 42 गांवों में हम गए, 16 फैसले कराए, आज 17वां ये फैसला हुआ, लेकिन जिन गांवों में हम चले गए वहां झगड़ा भी दोबारा नहीं हुआ और हमारी कोशिशें जारी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जहां आज हम बैठे हैं हबीब साहब के फॉर्म पे, उसमें कई झगड़ों को निपटाया जा सकता है। अभी हबीब साहब ने बुलाकर एक पार्टी से बात की और उन्होंने कहा कि हाँ हम कर लेंगे, तो उससे जब एक माहौल बनता है ना, चाहे झगड़े का माहौल हो तो झगड़े बनते हैं, फैसले का माहौल तो फैसले बनते हैं, तो उम्मीद है कि इस फैसले से फैसले का माहौल बनेगा और जो नगीना ब्लॉक के तमाम झगड़े हैं वो जल्द निपटा लिए जाएंगे।
जो फैसला आज आपने कराया है ये बहुत ही अच्छा फैसला आपने कराया, क्योंकि अब जो है इस तरह जो आपकी मुहिम चली है इससे लगता है कि करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा मेवात का वो बचेगा। तो आज उसी कड़ी में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, हबीब साहब ने दोनों पार्टियों को बुला करके एक पंचायत की शक्ल दी और सब लोगों ने मेहनत की, अच्छा फैसला हुआ, एक अच्छा संदेश गया है। इतने बड़े झगड़े के बाद एक तरफ 326 का मुकदमा है, एक तरफ 307 का मुकदमा है, दोनों भी अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद उन लोगों ने इजाजत दी, हमने फैसला किया, कोई एक सिंगल पैसे का जुर्माना या हर्जा खर्जा किसी पार्टी ने नहीं लिया, ठीक है, सूखा सबने माफ किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले से कि पड़ोस के गांवों के फसाद हैं वो भी मिटेंगे और पंचायत समाज के जो लोग हैं उनका हौसला बढ़ेगा और हौसला बढ़ेगा तो इलाके को फायदा होगा। यही एक संदेश है कोई इस तरह के प्रोग्रामों में, और जो लोग अभी नए हैं जो कुछ अलग सोचते हैं उन सबको पंचायतों में हिस्सा लेना चाहिए और इलाके में फायदा पहुंचाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।